बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी विल बी कंसीडरिंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 7x। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x गोज टू 0। एक को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस 5x और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 7x। तो अब अगर इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ, आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी। ओके, सो आप इसको रेशनलाइज करें 1 माइनस कॉस 5x, इसको आप 1 प्लस कॉस 5x के साथ रेशनलाइज करें, नीचे भी 1 प्लस कॉस 5x, ठीक। और इसी तरीके से इसको भी रेशनलाइज करें 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 7x, तो इसको रेशनलाइज करें तो 1 प्लस कॉस 7x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 7x। ओके, सो अब आपके पास लिमिट x गोज टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x है जिसको आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर 5x हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 5x इनटू, ये नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 7x और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 7x। ओके, सो फार सो गुड। जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 0, इन दोनों को साथ मिला लें 1 प्लस कॉस 7x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 5x और दूसरी लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करें x गोज टू 0 साइन स्क्वायर 5x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 7x। अब ये लिमिट जो हो जाएगी ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी जब ये डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो 2 ओवर 2 1 हो जाएगा, ये वाली 1 हो जाएगी। बाकी अब हमारे पास लिमिट जो हमें असल फाइंड करनी है वो है साइन पावर साइन स्क्वायर 5x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 7x। ओके, अब ये लिमिट हम फाइंड करेंगे, ये 1 हो गई, तो हमारे पास अब ये लिमिट है जिसको हमने फाइंड करना है x गोज टू 0 of sin 5x divided by cos sin 7x, like this one is limit x goes to 0 sin square 5x divided by sin square 7x, यही चीज है अब हमारी। तो जिसको हम लिख सकते हैं x goes to 0 of sin 5x divided by sin 7x इस पूरे का स्क्वायर, लिमिट अंदर स्क्वायर में जा सकती है, मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आपने पहले ही देखी थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ पर m है यहाँ पर n है, तो ये बस आप आराम से इसको अंदर वाली लिमिट को प्रूव कर सकते हैं कि ये 5 ओवर 7 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 25 ओवर 49 के, ठीक। दैट वॉज अ बिट ट्रिकियर दैट यू हैड टू वर्क विद। अब हमारे पास एक और सवाल है जिसमें आपसे ये लिमिट इवेल्युएट करवानी है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाती है, तो मैं एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो ये ट्रिक है कि मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, सॉर्ट ऑफ रेशनलाइज कहें या आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ पर आप कॉस एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना है और ये ऐसे, ठीक है। तो आप ऊपर वाला जो आपका न्यूमिरेटर है वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, जिसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स गोज टू 0
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक ये लिमिट करें और बाकी लिमिट आप इसके ऊपर लगा लें, एक्स गोज टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब ये लिमिट आप स्क्वायर ऊपर ले जाएं तो ये 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये लिमिट आपकी 1 ओवर 2 हो जाएगी, तो ये 1 ओवर 2 इसका जवाब होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, एक और सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट फॉर एग्जांपल फाई गोज टू 0 फाई एन टू कॉट फाई, अब ये लिमिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई गोज टू 0। ओके सो ये आपका बराबर हो जाएगा कॉस फाई ओवर साइन फाई, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं फाई गोज टू 0 फाई ओवर साइन फाई इंटू अलग से ये लिमिट फाई गोज टू 0 कॉस फाई। आई एम अ बिट फास्ट, यू हैव टू फिगर आउट बाय योर सेल्फ दीज ऑल। ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और सवाल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस वन। नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर डायरेक्ट 0 पुट करें तो ये कोसेक एक्स जो है वो 0 पर आपको पता है कि डिफाइंड नहीं है और नीचे भी 0 आ रहा है, सो लाइक वी आर गेटिंग समथिंग क्रेजी। तो इसको आप जो है वो किसी टेक्निक के थ्रू, पहले तो आप न्यूमिरेटर को सिंप्लीफाई करें, वो होगा 1 ओवर साइन एक्स माइनस ये काट का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये पूरा जो है इसको डिवाइड बाय एक्स है। ठीक है, अब आप ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो वो साइन एक्स आएगी ये वाली, और फिर ऊपर यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा है क्या एक्स। तो अब ये बेसिक मैथ है आपके पास सिंपल सी, जिसको आप थोड़ा सा टेक्निकली यूज करें तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन एक्स। ओके सो अब अगर आप एक्स जीरो पुट करते हैं तो अब भी ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो स्टिल यू आर गेटिंग सम स्ट्रेंज फॉर्म। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप रेशनलाइज टाइप करेंगे कुछ, एक्स गोज टू 0, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स था, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लें 1 प्लस कॉस एक्स से और डिवाइड भी कर लेंगे, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर x इंटू साइन एक्स था, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 0, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के, x साइन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x गोज टू 0 ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप अगर लिमिट अलग अलग से लगाएं, इसके ऊपर लगाएं लिमिट तो ये 1 आ जाएगा, ये लिमिट अगर इसके ऊपर लगाएं इस वाले पर तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि है 1 ओवर 2। इस तरह से और भी सवाल आपको मिलेंगे जो कि आप खुद करेंगे, जहां पर इश्यू है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करें या आप कॉन्टेक्ट करें और हम जो है उन कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।